नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और अभी तक हमारे पास जो भी सीरीज चल रही थी दोस्तों की एग्ज़ाम के लिए था, जेई एग्ज़ाम फॉर द ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए था, जेई सिविल के लिए। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने डाले थे, सोम के थे, बिल्डिंग मटेरियल के थे। हमारा प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला हुआ है हमारे चैनल पर दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रैक्टिकल हमने सटरिंग डिज़ाइन का वीडियो डाला हुआ है, सब कुछ डाला है। और ये वीडियो यदि ज़रूर अच्छी लगे दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन में पहुंच जाए आपके पास वीडियो और कोई मिस ना हो। और देखते हैं दोस्तों, ब्रिक वर्क मेनली कंस्ट्रक्शन वर्क में किस टाइप के होते हैं, या फिर क्या हमें प्रिवेंशन इसके लिए लेना पड़ता है कि जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा प्लास्टर हो गया, प्लास्टर होने के बाद क्या होता है, क्रैकिंग आ जाती है। कहीं भी नॉर्मल आपने कहीं भी आप गए होंगे, स्कूल हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, तो वहाँ क्या मिस होता है वर्क के समय, वो चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आरसीसी कॉलम एक आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्रिक वर्क मेनली कंस्ट्रक्शन वर्क में दो टाइप के होते हैं दोस्तों, दो जगह पे। एक या तो कॉलम आपका आरसीसी का हो जाता है, या फिर कहीं कहीं स्ट्रक्चरल कॉलम आते हैं। स्ट्रक्चरल कॉलम मीन्स स्टील कॉलम आ जाते हैं, क्योंकि निश्चित है कि इंडस्ट्रियल वर्क में बहुत टाइप के बिल्डिंग रहते हैं, फुल्ली आरसीसी स्ट्रक्चर टाइप रहता है, फिर स्टील स्ट्रक्चर टाइप रहता है। तो दोनों में आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इस वीडियो में दोनों की आपको जानकारी मिलने वाली है, तो ज़रूर बने रहें इस वीडियो में। सबसे पहला ब्रिक वर्क के लिए या फिर किसी भी वर्क के लिए देखिए, सबसे पहला इशू होता है दोस्तों ड्राइंग की, हमारे पास ड्राइंग किस हिसाब की है। और जब आरसीसी कॉलम का आता है पोर्शन, तो उसको हम हैक करते हैं, सबसे पहले रफ कर लेते हैं इसको दोस्तों, जहाँ पर हमारा ब्रिक वर्क का पोर्शन आने वाला है। और रफ़ करने के बाद क्या होता है कि ड्राइंग के हिसाब से हम उसमें लेआउट तैयार करते हैं, भले हम चौक से मार्किंग कर दें या फिर लाइन थ्रेड से मार्किंग कर दें। और मार्किंग करने के बाद हमारा प्रॉपर एक प्लान तैयार होता है, जो नीचे का रद्दा है, सबसे पहला रद्दा है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, कि कहीं उसमें डोर की ओपनिंग आ जाएगी। या फिर कहीं कहीं होता है कि जब आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग करने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं केबल ट्रे आता है केबल एंट्री के लिए, या फिर कहीं डक्टिंग आ जाती है एसी की डक्ट के लिए, या फिर आपके कहीं कहीं कुछ अलग मटेरियल आते हैं। मटेरियल मीन्स जैसे फायर पाइप का हाइड्रेंट के लिए पाइप आता है, या फिर और प्रिकॉशन आते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये सारी चीज़ों का ड्राइंग एक जगह आपको लेके बैठना होता है, और सबसे पहले तो एक स्केच तैयार करना होता है, जो कि आप स्केच तैयार करेंगे कि कितनी हाइट पे ओपनिंग स्टार्ट हो रही है, कितने बाई कितने की ओपनिंग है, और किस कॉलम से कितनी डिस्टेंस पे है, मीन्स एक ओपनिंग का कोऑर्डिनेट। इसके लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों कि ड्राइंग रीडिंग ब्रिक वर्क के लिए कैसे करते हैं। यहाँ मैं पर्टिकुलर आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा कि कैसे किया जाता है। जब स्केच आपका तैयार हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, स्केच प्रोवाइड करवा देते हैं अपने सुपरवाइजर्स को या फिर सपोर्टिंग स्टाफ को। सपोर्टिंग स्टाफ क्या करते हैं कि उसके हिसाब से ब्रिक वर्क को रेडी करवाते हैं, और जो जो ड्राइंग में लाइन शो कर रही होती है उसको मार्किंग करवा के ब्रिक वर्क का काम चालू करवाते हैं। आप देखिए ब्रिक वर्क का सबसे पहला वर्क होता है दोस्तों कि आरसीसी कॉलम के लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि हैकिंग कर देते हैं। स्टील कॉलम के लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट होता है दोस्तों, वहाँ पे स्टील रॉड जो होती है अपनी रेनफोर्समेंट, 8 डाई की या 10 डाई की, या फिर आपको ड्राइंग में कहीं डिस्क्राइब होगा, या आपका जो स्पेसिफिकेशन होगा वर्क कंस्ट्रक्शन का उसमें डिस्क्राइब्ड होगा, वहाँ पे आप 8 डाई है, 10 डाई है, या किस टाइप का है, उसमें स्टील स्ट्रक्चर को वेल्ड करते हैं। वेल्ड किस जगह करते हैं दोस्तों, जहाँ पे दो ब्रिक वर्क का जॉइंट आता है, यह आपको कैलकुलेशन देख के रखनी होती है, या फिर स्पेसिफिकेशन में कि वेल्डिंग जो जॉइंट रॉड हैं उनकी स्पेसिंग दे रखी होती है कि इतने की स्पेसिंग पे। अब देखिए ब्रिक वर्क करने से सबसे पहला काम होता है कि आप जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जाते हैं ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क को सबसे पहले वेट करना हो दोस्तों, मतलब भिगाना होता है। भिगाते इसलिए दोस्तों कि जो आपका मोर्टार का वाटर सीमेंट रेशियो है, या आपने जो मोर्टार में पानी मिला के रखा है, वो ड्राई यदि रहेगा ब्रिक वर्क, तो आपका क्या होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा मोर्टार से, और उसको बॉन्डिंग के लिए जितनी ज़रूरत होगी वाटर की, वो वाटर नहीं मिल पाएगा मोर्टार में, और स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नाउ तो कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि थोड़ा ड्राई मतलब कम मोर्टार जो वैसा हो जो ड्राई ब्रिक के साथ जोड़ा गया हो और वेट ब्रिक के साथ जोड़ा गया हो, दोनों को आप देखिएगा 10 या 15 दिन बाद हल्का सा तोड़ के, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा कि जो कम
वेटेड था ब्रिक, उसके साथ के जो मोर्टार की बॉन्डिंग होगी वो एकदम कम हो जाएगी। अब देखिए ब्रिक वर्क के लिए सबसे पहले तो ये मिस्त्री जैसे काम कर रहा है कि पहले ब्रिक वर्क को लेइंग कर देता है, लेइंग करने के बाद देखिए किस हिसाब से एक ब्रिक रखता है, मतलब एक हैडर में चलती है एक स्ट्रेचर बॉन्ड में चलती है, इसके ऊपर ये लाइन थ्रेड रखते हैं दोस्तों। लाइन थ्रेड किस लिए रखते हैं कि आपका ब्रिक वर्क का जो मोर्टार थिकनेस है वो फिक्स होता है 10 mm, जैसे दो ब्रिक के बीच में रखते हैं, प्लस 5 माइनस इधर उधर हो सकता है ऑन द प्रैक्टिकल साइड पे। अब इसके बाद क्या करते हैं ये कि देखिए इस तरह से ब्रिक रख के लाइन डोरी मारी जाती है। लाइन डोरी किस लिए तैयार किया जाता है दोस्तों, लाइन थ्रेड इसलिए कि जो आपने पहला रद्दा स्टार्ट किया है और जो लास्ट रद्दे स्टार्ट किए हैं वो 10 mm की मोर्टार पे यूज किया है, और 10 mm मोर्टार के बाद जो बाकी बीच के मेडिएटर्स जो रद्दे हैं मीन्स कोर्स जो है वो आपका सेम लेवल पे रहे, और इसके लिए लाइन थ्रेड हम बांधते हैं कि हमारा प्रॉपर एक लेवल पे चले। सेकंड थिंग क्या होती है दोस्तों, जो अब फ्रॉग होता है ईंट का, ये हमेशा याद रखिए आप लोग, हमेशा मैक्सिमम ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि यदि हम उल्टा करके इसको रखेंगे तो फ्रॉग में क्या होगा कि मोर्टार हमारा आएगा नहीं और इसकी वजह से बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी, स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ ब्रिक वर्क को किस हिसाब से एक लेइंग कर दिया है, एक रद्दा लेइंग करने के बाद मिस्त्री क्या कर रहा है कि उस पर मोर्टार देके किस तरह से इसकी गैप फिलिंग हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए किस हिसाब से करनी से लेके उसके बीच में जो गैप है उसमें मोर्टार को पुश करके या फिर पंच करके उसको फिल किया जा रहा है, और साइड साइड से अपनी पॉइंट भी करता जा रहा है जिसको पॉइंटिंग बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ बराबर करना क्यों ज़रूरी है कि हमारा ब्रिक वर्क का जो फेस है वो बिल्कुल एक स्मूथ हो और प्रॉपर उसमें मोर्टार आए, क्योंकि एयर गैप होने के बाद भी यदि बाय चांस आपने मोर्टार फील नहीं किया सही से तो एयर गैप आ जाएगा और एयर गैप की वजह से आपकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। और ब्रिक वर्क में ध्यान देने की बातें ये हैं दोस्तों कि जहां आप हैकिंग करते हैं कॉलम के पास वहां पे आपको सीमेंट का एक स्लरी हल्का सा प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो दोनों के बीच में बॉन्ड थोड़ा सा ठीक बने, और निश्चित है कि कॉन्क्रीट और ब्रिक वर्क के बीच में हमेशा क्रैक आता है, तो कभी कभी स्पेक में चिकन वायर मेस या फिर अदर कुछ प्रिकॉशंस के लिए भी बता दिया जाता है जो कि स्पेसिफिकेशन आपको बोल देता है। इस तरह से ब्रिक वर्क करते जाते हैं दोस्तों, और 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट का हम नहीं करते हैं, क्योंकि 1.5 मीटर से ज़्यादा ब्रिक वर्क करने पे क्या होता है कि लोडिंग जो होती है उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है जो कि IS कोड जो हमें बोलता है। अब इसमें वीडियो में देख लिया आपने दो रद्दे किस हिसाब से जोड़ दिए गए हैं, इसी हिसाब से हमेशा हम हाइट वर्क का भी काम करते जाते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।